जिस ऐप को आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वही फोन पे एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ, फोन पे इंडिया में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए खास ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रहा है। इससे गूगल को सीधी टक्कर मिलेगी, साथ ही बड़ा झटका भी लगेगा क्योंकि अभी सबसे पॉपुलर गूगल प्ले स्टोर है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। फोन पे वॉलमार्ट से जुड़ी एक बड़ी फर्म है और इसका प्ले स्टोर बेहद खास होने वाला है। एक वेबसाइट की तरफ से रिव्यू किए गए कंपनी के एक आंतरिक दस्तावेजों के मुताबिक ये नया ऐप स्टोर हाइपर लोकल ग्राहकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें कई तरह की भाषा को सपोर्ट करने और सुविधाओं के जरिए ग्राहकों को जोड़ने का ध्यान रखा गया है। बताया जा रहा है कि फोन पे ऐप स्टोर को बाजार में आने में अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं। फोन पे ऐप स्टोर निर्माता इंडस ओएस का अधिग्रहण कर रही है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक फोन पे कंपनी अपने नए ऐप स्टोर को भारत में एक स्टैंडअलोन ऐप के रूप में यूजर्स के सामने पेश करना चाहती है। इसके ऐप स्टोर के बारे में कहा जा रहा है कि ये 12 भाषाओं और 24/7 लाइव चैट के साथ उपलब्ध होगा। इसमें लाखों यूजर्स को हाई क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट और कस्टम टारगेटिंग की सुविधा मिलेगी। फोन पे ने भी भारत में ऐप स्टोर लॉन्च करने की पुष्टि भी की है। फोन पे सबसे ज्यादा वैल्यू वाला भारतीय फिनटेक स्टार्टअप है और इसका सीधा मुकाबला दूसरी तरफ गूगल के गूगल पे ऐप के साथ है। टेकक्रंच को दिए गए एक बयान में फोन पे के प्रवक्ता ने कहा कि गूगल 97% भारतीय ऐप स्टोर बाजार पर कंट्रोल रखता है और फोन पे के लिए ये एक बड़ा मौका है जिसके पास देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि खोज और कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिहाज से भी और ज्यादा लोकलाइज यानी स्थानीय जरूरत वाली ऐप की जरूरत है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि सभी फोन निर्माता कंपनी भारतीय बाजार के लिए एक स्थानीय ऐप स्टोर को लेकर उत्साहित है। कुछ ही महीनों में अधिकांश एंड्रॉइड डिवाइस पर फोन पे का ऐप स्टोर दिखने लगेगा। फोन पे की बात करें तो ये एक भारतीय ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट कंपनी है और इसका मुख्यालय बैंगलोर में है। फोन पे की शुरुआत समीर निगम और राहुल चारी ने दिसंबर 2015 में की थी। इनके साथ बुर्जुन इंजीनियर ने दिया। फोन पे एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। फोन पे का मोबाइल ऐप अगस्त 2016 में लाइव हुआ और ये पहला डिजिटल पेमेंट ऐप था जिसने भारत में UPI की शुरुआत की थी। पिछले साल खबर आई थी कि फ्लिपकार्ट और फोन पे के रास्ते अब अलग हो गए हैं। फ्लिपकार्ट ने फोन पे से अलग होने की घोषणा की थी। फ्लिपकार्ट ने 2016 में फोन पे का अधिग्रहण किया था लेकिन दोनों कंपनियों की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट बनी हुई है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।